यहाँ पर आप देखोगे MSI का है B550M Pro VDH Wi-Fi, और ये AM4 सॉकेट पे है, और इसमें PCIe Lane 4 दिया हुआ है, और इसमें आपको डायरेक्ट NVMe SSD रेट का सपोर्ट भी मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें आप देखोगे थर्ड जनरेशन AMD Ryzen में जो ये वाले प्रोसेसर होते हैं इनको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये AM2 सेकेंड जनरेशन रहते हैं बेसिकली, पर इनको नाम दिया गया थर्ड जनरेशन का जो सपोर्ट नहीं करेगा इस पर। जो कि हैं जो सपोर्टेड नहीं करते हैं वो है 3400G और 3200G। भले ही नाम इनका 3000 में है, लेकिन एक्चुअली ये सेकेंड वाले हैं। यहाँ पर तो नॉर्मल अलग अलग भाषा में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद पीछे देखोगे, पीछे में आपको पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है मदरबोर्ड का, प्रो सीरीज़ है, राइजन CPU, कोर बूस्ट, इसमें ओवरक्लॉकिंग भी होगी, मेमोरी जो M.2 SSD लगेगा वो भी बहुत अच्छा लगेगा, हाई स्पीड कैपेबल है, इसमें Air 4 के भी फैंस दिए हुए हैं, RGB फैंस भी दिए हुए हैं, और इसमें जो M.2 है वो उसके लिए आपको शील्ड मिलेगा, हीट सिंक मिलेगा, और यहाँ आपका लेआउट दिया हुआ है पीछे का, जो iOS मिलेंगे आपको। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं अपने मदरबोर्ड की। तो एंटी स्टैटिक पॉलिथिन में आएगा ये, चलो इसको साइड में रखते हैं, फिर देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है अपन को। बॉक्स के अंदर देखा जाए ये बैक पैनल का IO शील्ड, फिर उसके बाद दो सेटा केबल्स मिलेंगे उसमें, फिर एक CD मिलेगा ड्राइवर्स की जो MSI के हैं बहुत सारे, फिर आपको स्टिकर मिलेगा MSI का अगर आप लगाना चाहते हो उसको, और इसमें दो वाईफाई एंटीनास हैं, ये वाईफाई और ब्लूटूथ एंटीनास हैं दोनों, फिर कुछ स्क्रूज़ मिलेंगे जो M.2 SSD को लगाने में काम आएंगे, फिर आपका क्या मिलता है, थैंक यू मैसेज फ्रॉम MSI, फिर जॉइन द रिवार्ड प्रोग्राम, फिर उसके बाद क्विक इंस्टॉलेशन गाइड भी है कैसे इंस्टॉल करना है, इन सब को रख देते हैं साइड में। और अपन देखते हैं अपना मदरबोर्ड, तो ये रहा अपना मदरबोर्ड। इसमें पहले IO शील्ड्स देखते हैं, ये जो है VGA पोर्ट दिया हुआ है, एक डिस्प्ले पोर्ट है, दो USB 3.2 Gen 1 पोर्ट्स हैं, HDMI केबल है, और ये अपना PS2 पोर्ट है जिसमें माउस और कीबोर्ड दोनों कनेक्ट हो सकता है, ये USB 2 है, ये LAN केबल के लिए है, लैन कनेक्शन, ये USB 3 पोर्ट दिए हैं, चार USB 3 पोर्ट्स हो गए, और ये अपना वाईफाई एंटीनास लगाने के लिए हैं, और फिर ये आता है अपना 7.1 Realtek का ऑडियो, जो कि ऊपर वाला जो है ब्लू कलर में, ये है अपना लाइन इन के लिए, कि जैसे अपन मोबाइल को कनेक्ट करते हैं 3.5mm जैक को और इसके थ्रू कंप्यूटर में भेजना है सिग्नल, तो इसके लिए काम आ जाएगा। फिर ये आएगा आपका स्पीकर आउटपुट के लिए, और ये रहेगा माइक के लिए। और फिर अपन अब मदरबोर्ड देखते हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर पावर सॉकेट मिलेगा CPU के लिए, और ये मदरबोर्ड का 24-pin पावर सॉकेट, फिर आपको चार RAM स्लॉट्स मिलेंगे जो कि 4400 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्टेड है, जिसमें 3200 डायरेक्ट सपोर्टेड है और 44 ओवरक्लॉकिंग तक है। फिर इसमें चार फैंस के कंट्रोल मिलेंगे इंक्लूडिंग CPU फैन, ये CPU फैन है 1, फिर आपका आता है CPU फैन 2, फिर CPU फैन 3, और फिर एक यहाँ पर नीचे के साइड में आपका CPU फैन आएगा, सिस्टम फैन, जो कि CPU फैन बोले तो आपका
जो फ्रंट पैनल फ़ैन्स होते हैं, ये तो एक सीपीयू फ़ैन हो गया। यहाँ पर दो फैंस हैं जो कैबिनेट के हैं, और यहाँ पर थर्ड एग्जॉस्ट वाले फ़ैन के लिए। फिर यहाँ पर आपको RGB और ARGB कंट्रोलर्स भी मिलते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कोने में रेनबो लिखा हुआ है, ये फ्रंट पैनल का ARGB कनेक्टर है जो फ्रंट पैनल से कनेक्ट होगा। फिर एक ऊपर साइड में आप यहाँ पर देखोगे ARGB कनेक्टर मिलेगा, दो ARGB कनेक्टर्स हैं और दो RGB कनेक्टर्स हैं। RGB एक यहाँ पर है, एक RGB कनेक्टर यहाँ नीचे साइड में, और एक दूसरा कहीं यहीं पर है। फिर एक यहाँ पर एक LED स्विच मिला है। अगर आपको सारे LEDs बंद करने हैं, आपको LEDs पसंद नहीं है, आपको बिल्कुल वो रखना है प्लेन, तो आपका LED स्विच है ऑफ़ कर सकते हो। फिर ये रहा आपका मेटल शीट, ये आपका हीट सिंक है M.2 SSD के लिए, जो यहाँ पर लगेगी M.2 SSD जो कि PCIe Gen 4 पे रहेगा, और ये रहेगा आपका दूसरी SSD के लिए। तो इसमें देखा जाए दो M.2 स्लॉट्स हैं, दो SSD से एक साथ कनेक्ट हो सकती हैं M.2 वाली। और वैसे नहीं तो आप यहाँ पर चार सेटा केबल्स लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ये आता है इसमें USB 3 का भी सपोर्ट है, USB C जो फ्रंट पैनल में USB C होगा वो यहाँ कनेक्टर आएगा, इसमें वो भी दिया हुआ है। प्लस यहाँ पर USB 3 का कनेक्टर है फ्रंट पैनल के लिए, और जो बेसिक पोर्ट्स होते हैं यहाँ पर आपका स्टार्ट रीस्टार्ट वो है। फिर इसका हीट सिंक एक नॉर्मल है पर एफिशिएंट है। यहाँ पर भी एक VRM के लिए हीट सिंक दिया हुआ है, यहाँ पर अभी कोई दिया नहीं हुआ है इसके लिए। और आपका यहाँ प्रोसेसर आ जाएगा। फिर ये आपका CMOS बैटरी है, और यहाँ आपका Realtek का ऑडियो कनेक्टर्स है। और सबसे बड़ी बात इसमें है आपका यहाँ पर, ये जो आप देख सकते हो ये फ्लैश बटन है। अगर आपको कभी भी BIOS अपडेट करना और कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये बटन आपका पूरा रीसेट कर देगा, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में चला जाएगा इसका। और ये मदरबोर्ड आपका जो नए Ryzen प्रोसेसर आने वाले 5000 सीरीज वाले हैं उन्हें भी सपोर्ट करेगा ये, और AMD के अनुसार से और आगे भी करता रहेगा सपोर्ट उसके भी नेक्स्ट जनरेशन अगर 6000 आएगा। और बैक ऑफ द पैनल देखें तो इसमें पहले से शील्ड डली हुई है, इसमें तो कुछ है नहीं। और यहाँ पर आपको बज़र और कैबिनेट में स्पीकर्स हैं उसके कनेक्शन भी मिल जाएंगे। इसमें कोई भी आपको LED लाइट्स नहीं मिलेंगी इस मदरबोर्ड में, जैसे कि इसके महंगे पार्ट्स में मिलते हैं, जैसे गेमिंग प्लस, कार्बन, और क्या बोलते हैं उसको, टोमाहॉक, सबसे फेमस टोमाहॉक, उसमें आपको मदरबोर्ड में लाइट्स मिलेंगी। इसमें बिल्कुल भी लाइट्स नहीं मिलेंगी, पर इसमें कनेक्टर्स हैं, दो ARGB हैं और दो RGB कनेक्टर्स हैं, तो इसमें टोटल चार लगा सकते हैं। और जो ये RGB यहाँ पर लाइट दिया हुआ है, जो कनेक्टर है इसका RGB कनेक्टर, इसमें आप LED स्ट्रिप भी जोड़ सकते हैं, और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा नीचे स्पेसिफिकेशन में। इसमें 4-phase VRM है जो कि काफ़ी स्टेबल है, जिसकी वजह से आप हायर प्रोसेसर्स भी लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। इसमें जो हीट सिंक है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी हुई है, और कैपेसिटर्स भी अच्छे हैं, और इसमें आपको CMOS बैटरी भी है। और इसमें आपको और एक चीज़, ये जो है यहाँ जहाँ पर आपका ग्राफिक्स कार्ड लगता है, ये PCIe Lane 4 है, प्लस ये मेटल ब्रैकेट के साथ आता है, एल्युमिनियम पीस के साथ, कि क्योंकि आजकल जो ग्राफिक्स कार्ड आ रहे हैं, जो नया सीरीज आया है RTX 3000, वो इतने ज़्यादा हैवी हैं कि ये कभी कभार बेंड हो जाते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए और अच्छे से कनेक्टिविटी रहे इसके वजह उसके लिए आपको मेटल शील्ड मिलेगा यहाँ पर।